कल रात को मैं वापस आ गया था, मतलब मैनपुरी से, मतलब अपने अवागढ़, नानी घर से अपने अवागढ़ आ गया, और बैग भी भाई ओपन नहीं किया है। ये भाई बुक्स वगैरह भी मैंने अभी तक नहीं निकाली, ये भी बुक्स निकाल देता हूँ। उसके बाद ये कपड़े सी में, ये ब्रश वगैरह, ये अपना सुबह का खाना, पूड़ी, केले की सब्जी, केले के छिकल की, और ये अपनी भिंडी। तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो यार क्या सीन है कि मैं कल वापस आ गया था, शाम को कल वापस आ गया था मैनपुरी से। पिछले वीडियो में देखा होगा आपने, मैंने अपने नानी घर के दो व्लॉग वीडियो बनाई थी, ठीक। उसके बाद मैं कल यहाँ पर आ गया, अभी कुछ काम था इम्पोर्टेंट, इसलिए आना पड़ा सिर्फ 2-3 दिन के लिए। उसके बाद मैं वापस से वहाँ पर चला जाऊँगा, ठीक। तो अभी टाइम हो रखा है मॉर्निंग का 9 o'clock, एंड अभी हम लोग, मैंने सिर्फ नॉर्मल व्लॉग होने वाला था, लेकिन अभी भाई का कॉल आया है और हम लोगों को जाना है जलेसर, ठीक, तहसील, कुछ काम के लिए। मैं पहली बार जा रहा हूँ तहसील, तो वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, बने रहो हमारे साथ। 1 hour later। तो गाइस थोड़ी देर बाद, मतलब हम लोग निकल आए, ठीक है, भाई आ गए थे। हम लोग बाइक से जलेसर जा रहे हैं। तो बता दूँ, जलेसर है हमारी तहसील, तो हम लोगों को अभी कुछ काम था तहसील में, तो हम वो करने जा रहे हैं, ठीक। तो हमें रास्ते में हूँ और बाइक से जा रहे हैं भाई। सॉरी, गर्मी इतनी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है, इसका कोई जवाब नहीं। बहुत तेज़ तेज़, मतलब गर्म हवा चल रही है, तो वो चेहरे पर जब लगती है ना भाई, बहुत चैंटती है, ठीक। तो हम लोग अभी जा रहे हैं, अभी थोड़ी दूर है, मतलब लगभग 17 किलोमीटर है, तो पहुँचते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है आगे। तो बने रहो हमारे साथ बहुत। तो गाइस ये जो राइड स्टार्ट हुई है ना, वो अवागढ़ से स्टार्ट हुई है, और अवागढ़, और मतलब हम लोग जलेसर जा रहे हैं, तो उसके बीच में हमारा गांव पड़ता है, ठीक है। तो वो भी अभी आपको दिखाऊंगा, मतलब थोड़ा सा दिखाई देता है, गांव तो अंदर है लेकिन मेन रोड से दिखाऊंगा। तो ये देख सकते हो, ये हमारा पुलिस चौकी, और ये गांव का गेट है, मेन गेट, ठीक है, यहाँ से अंदर जाना पड़ता है। तो ऐसा ये सीन है। तो हम लोग अभी मतलब जलेसर में एंट्री करने ही वाले हैं, और ये है यहाँ पर क्रॉसिंग, ठीक है, रेलवे क्रॉसिंग। तो यहाँ से क्रॉस करने के बाद इधर ये रास्ता गया है पटना पच्ची प्यार के लिए, ये बोर्ड लगा है। तो सामने देख सकते हो, कोई पुराना मंदिर टाइप का है, बहुत टाइम पुराना है भाई। जलेसर में पता है राजा वगैरह का भी थोड़ा बहुत गढ़ रहा है, और ये इसका मेन मार्केट है। जलेसर बहुत बड़ा है, और ये हम लोग तहसील आए थे, तो तहसील हम लोग एंट्री कर चुके हैं, और यहाँ पर जो वकील के ऑफिस वगैरह होते हैं ना, ऐसे छोटे मोटे बने होते हैं, तो बहुत ज़्यादा काम होता है तहसील में, इधर उधर भागना पड़ता है। तो मैं बता दूँ, ये कुछ फोटो कॉपी वगैरह हैं, ठीक। अभी बताऊँगा नहीं कि क्या काम से आया हूँ, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट काम है, तो उसके काम से आया हूँ मैं। और धूप भाई, धूप तो इतनी पड़ रही है, इसका कोई जवाब नहीं। तहसील पता है बहुत बड़ा होता है, और जलेसर की तहसील, मैं पहली बार आया हूँ और पहली बार देख ही आया, ठीक है। पहली बार मुझे काम पड़ा, तो मैं पहली बार ही आया हूँ भाई के साथ, मतलब मुझे क्या, मेरे भाई का काम था तो उनके साथ आया हूँ। तो यार वीडियो आई होप अच्छा लग रहा होगा आपको, गर्मी की पूछो मत यार। सूरज भाई देख सकते हो ऊपर, बहुत बुरी तरीके से हीट फेंक रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से। प्यास लग रही है, पानी नहीं मिला अभी तक यहाँ पे, बहुत बड़ी है, तो नल वगैरह ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो भाई जो अपनी मतलब तहसील है राठी मोटर्स के पास, चौराहा मार्ग गोल नगर, ठीक है, इसके पास में ये तहसील पड़ती है। तो एड्रेस भी मैंने मतलब नोट कर दिया, तो आप देख सकते हो। और मैं अभी इधर जा रहा हूँ कंप्यूटर कक्ष की तरफ, वहाँ से जो कागज़ वगैरह निकलते हैं ना, उधर जा रहा हूँ, कंप्यूटर कक्ष इसके अंदर ही होता है। तो ऐसा होता है ना, बाहर भी बहुत सारी शॉप होती हैं, तो वहाँ पर बिल्कुल ओरिजिनल एक्यूरेट डाटा नहीं आता है, लेकिन जो अंदर तहसील के अंदर जो कक्ष होता है, उसके अंदर मतलब परफेक्ट डाटा आता है किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो
बहुत दूर चलना पड़ता है, बहुत बड़ी तहसील है। तो इधर है ये कंप्यूटर कक्ष का बोर्ड लगा है, और इधर ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है, इसी के पास में ये है अपना कंप्यूटर कक्ष। तो यहाँ से कागज़ वगैरह निकलवाने हैं जो भी है, ठीक है। और यहाँ पर पता है एक और बात है, आपने देखा होगा जो फोटो कॉपी होती है, ठीक है, वो जहाँ पर जगह पर 2 रुपए की होती है, लेकिन यहाँ तहसील के पास में जो शॉप होती है ना, तहसील के पास में जो शॉप होती हैं उन पर 1 रुपए की एक कॉपी हो जाती है। तो ये है भाई अपना पुनहरे का बम्बा, यहाँ पर जो टिक्की मिलती है ना वो बहुत ही अच्छी मिलती है। तो यहाँ पर अपन टिक्की खाएंगे, और ये देख सकते हो भैया बना रहे हैं टिक्की, बहुत ज़्यादा फेमस है यार ये, बहुत पुरानी दुकान है। तो आप कभी भी आओ मतलब जलेसर रोड पर, अब अगर टू जलेसर रोड पर तो रास्ते में ये पुनहरे का बम्बा बोलते हैं, तो वहाँ पर ये टिक्की ज़रूर चेक करना एक बार, ठीक है। बहुत अच्छी बनाते हैं यार, बहुत अच्छी। जो भाई यहाँ की टिक्की का प्राइस है ना वो है 20 रुपये, ठीक है। तो लेकिन काफ़ी अच्छी है, दोना जो होता है वो बड़ा होता है। उसके बाद यहाँ पे जो पड़ाके का पानी होता है वो ज़रूर ट्राई करें एक बार। तो हम लोग हैं अभी आवागढ़ में, और यहाँ पर थोड़ी बैक में मतलब चेन है जो जहाँ टाइट हो गई, तो वो आवाज़ कर रही है, तो वो सही करा रहे हैं, ठीक है। सही होने के बाद उसके बाद चलते हैं घर पे, और रेस्ट करना है भाई, बहुत ज़्यादा थक गए आज, पूरा दिन हो गया, सुबह से निकले थे, पूरा दिन हो गया भाई रेस्ट करना। तो देख सकते हो यहाँ पर ये शॉप है, कैसे हो भाई लोग। इंट्रो भाई, आज वीडियो का जो इंट्रो है ना लास्ट में शूट हो रहा है। तो आज हम लोग जलेसर घूम के आए हैं, तहसील गए थे, ठीक है, जैसा कि वीडियो में आपने देखा है। एंड अभी घर पे आ गया हूँ, और बाइक से गए थे तो भाई थक बहुत गए, ठीक है, बाइक पे बैठे बैठे थक गए, और सुबह गए थे, अभी वापस आए 3:30 बजे, ठीक। तो पूरा दिन हो गया आज बाहर, कुछ काम से गए थे तो काम हो नहीं पाया, मतलब हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक। तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा। और ये भाई अपना पीछे मंदिर ये रहा, ठीक है। तो फिर ऐसा ही एक वीडियो बनाएंगे कल वापस से, आपको कुछ दिखाएंगे, तब तक बने रहो हमारे साथ, ठीक। बाय बाय, लव यू ऑल।